हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको लेकर आ चुका हूं गुजरात के गोधरा में, और आज मैं आपको गुजरात के गोधरा में दिखाने वाला हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूं, इसी जगह पर गोधरा में बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, यानी कि अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे को आप गोधरा में इसी जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप मुंबई से या दिल्ली से आते हैं और आपको गोधरा जाना है तो आप इसी जगह पर एग्जिट लेंगे। इस जगह पर क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वही आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये गोधरा का पहला अपडेट जरूर है, लेकिन ये आखिरी नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम और आप मिलकर इसी तरीके से देखते रहेंगे कि किस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से अपने देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस जगह पर जहां पर मैं आपको लेकर आया हूं, यहां पर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो अच्छा खासा काम यहां पर अभी किया जाना है। इस जगह पर NH-47 है जिसको ये क्रॉस कर रहा है, और इसी NH-47 से कनेक्ट किया जाएगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। इस तरफ आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं गोधरा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस करना है यहाँ पर एक रेलवे लाइन को, और साथ ही साथ क्रॉस करना है इस NH-47 को, तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि पिलर का ही हिस्सा होने वाला है। अभी पियर को कनेक्ट करने का जो काम है वो तो हो चुका है, अभी काम यहाँ पर किया जा रहा है मेजरली फ्लोर बनाने का और साथ ही साथ पैराफिट वॉल बनाने का। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये अपने देश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और इसमें सबसे लंबा हिस्सा जो होगा वो गुजरात के अंदर ही आएगा। 426 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि गुजरात से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। वैसे ये कनेक्ट करेगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को, जहाँ पर दिल्ली में इसका 12 किलोमीटर का हिस्सा है तो हरियाणा में 129 किलोमीटर का, राजस्थान में तकरीबन 373 किलोमीटर का हिस्सा है तो मध्य प्रदेश में वहीं 244 किलोमीटर है, और गुजरात जैसा कि मैंने आपसे कहा 426 किलोमीटर का हिस्सा जो कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आता है गुजरात में, और महाराष्ट्र में फिर ये जाकर समाप्त हो जाएगा जहां पर महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। वैसे ये जो एक्सप्रेसवे का जो मेन लेंथ है ना वो तो है 1198 किलोमीटर का, बाद बाकी दो इसमें स्पर बनाए जाएंगे, एक बनाया जाएगा DND से फरीदाबाद KMP होते हुए जो कि तकरीबन 60 किलोमीटर का है, और एक बनाया जाएगा विरार से लेकर JNPT तक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, वो है 92 किलोमीटर, और इन सभी को जब आप ऐड करते हैं तो 1350 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे बन जाता है। एक्सप्रेसवे होने वाला है 8 लेन का, 4 लेन ईस्ट साइड, और इसे फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो वो 12 लेन के लिए ही किया जा रहा है। अभी फिलहाल ड्राइव करने के लिए आपको 8 लेन ही मिलेगा, 4 लेन ईस्ट साइड। जैसे ही अगर भविष्य में आज से 5-10 साल बाद जरूरत पड़ी कि इसमें और भी लेन ऐड करना है तो आसानी के साथ किया जा सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, सिर्फ उस जगह पर DBM का काम ही करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल वो जो जगह है जिस जगह पर लेन बनाया जा सकता है उस जगह को ग्रीन पट्टी में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। इस तरफ जब आप चलते हैं, इससे आगे जाएंगे तो इस तरफ है दिल्ली, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो MP भी आता है, और इस तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा खासा अभी यहाँ पर रह रहा है, चाहे वो अर्थवर्क का काम हो या फिर बॉक्स बनाने का काम हो, ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम हो। तो ये जो जितने देख रहे हैं ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ खेत है तो बारिश का पानी आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, तो इसलिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। और इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा रोड है, तो इस रोड को फ्यूचर में जो गांव वाले हैं वो क्रॉस कर सके तो इसलिए अंडरपास बनाया जा रहा है। उसी वजह से कंक्रीट का यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है जिसकी मदद से गांव वाले आसानी से इस रोड के नीचे से होकर आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये बॉक्स तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन बॉक्स के आसपास अभी अर्थवर्क का काम यानी कि मिट्टी को डालने का काम किया जाना और अच्छा खासा किया जाना है। लेकिन जब आप NH-47 को क्रॉस करके यानी कि रेलवे लाइन को क्रॉस करके अहमदाबाद की तरफ चलेंगे ना तो फिर आपको दिखेगा कि अच्छा खासा काम यहाँ पर हो चुका है, लेन बनाने का काम भी हो चुका है, लेन मार्किंग का भी काम हो चुका है।
तो यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो अहमदाबाद की तरफ चलेंगे, और अहमदाबाद जब आप जाएंगे तो धुलेरा स्मार्ट सिटी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि अपने देश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। उसका भी अपडेट कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर दिया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। वैसे इस जगह पर ये जो हाईवे का पार्ट देखोगे ना, तो इस पे जो कंस्ट्रक्शन का भी फिलहाल काम किया गया है, यानी कि लेन जो आपको मिलेगा ना ड्राइव करने के लिए, वो मिलेगा 4 लेन ईस्ट साइड, यानी कि 8 लेन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर वाला हिस्सा देख रहे हो ना, जहाँ पर ये रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है और जहाँ पर ये रोड को क्रॉस कर रहा है, तो इस जगह पर टोटल 12 लेन बनाए जा रहे हैं जी। 6 लेन ईस्ट साइड, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि देखो इस जगह पर रेलवे लाइन भी है, तो रेलवे लाइन के ऊपर जब भी काम करना होता है ना, तो डाउन टाइम लेना पड़ता है रेलवे से। तो जितने दिन तक कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है या फिर यहाँ पर जो स्टील गडर डाला जाता है, तो उतने देर तक रेलवे लाइन, रेल का जो रूट है वो बंद रहता है, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। तो रेलवे को भी नुकसान होता है और हमारा आपका भी टाइम लगता है जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो क्योंकि NH को भी डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसी वक्त पे इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है 6 लेन ईस्ट साइड का, वो कर दिया जा चुका है, ताकि भविष्य में जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद बाकी हिस्सों पे 6 लेन का काम किया जाए, तो उस वक्त पे इस जगह पर हमें और आपको असुविधा ना हो। इसी वजह से भविष्य को ध्यान में रखकर इस जगह पर 6 लेन का काम अभी कर दिया जा चुका है। और ऐसा मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के और भी जो इंटरचेंज का अपडेट दिया था, आपको बड़ोदरा का दिखाया था, तो वहाँ पे भी आपको दिखा था कि जहाँ भी स्ट्रक्चर है ना, उस जगह पर काम तो 6 लेन का कर दिया है, मतलब ड्राइव करने के लिए अभी से ही आपको 6 लेन मिल जाएगा Day 1 से, जिस दिन से ये चालू होगा। तो स्ट्रक्चर वाले हिस्से पे बाद की हाईवे का पार्ट है, तो वो वाला तो कभी भी बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है ना, वो फ्लाईओवर बनाना होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। हाईवे का पार्ट तो क्या है, देखो अर्थवर्क का काम करना है, मिट्टी डालना है, मिट्टी डालो मशीनरी की मदद से, अच्छे से प्रेस करो और लेन बना दो। लेकिन इस पे तो भाई एक एक मीटर मायने रखता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत सारा टाइम भी लगता है इसको कंस्ट्रक्ट करने में, और पैसा तो लगता है भी, सबसे ज़्यादा इसी में पैसा लगता है जब फ्लाईओवर का पार्ट बनाते हैं, तो हाईवे का पार्ट सबसे सस्ता होता है। इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है PNC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और उनकी टीम द्वारा इस जगह पर काम किया जा रहा है अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो गुजरात में आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपडेट आखिरी है, आने वाले महीनों में आपको और भी अपडेट देखने को मिलेंगे गुजरात के, क्योंकि हर 1-2 महीने पे मैं गुजरात का अपडेट आपको दे दिया करूँगा। लेकिन इसके बाद जो अब आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट देखने को मिलेगा ना, वो उन जगहों से देखने को मिलेगा जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, देखा नहीं है, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम और आप मिलकर देखने वाले हैं अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे का काम। इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और सच में पहली बार अपडेट दिया इस जगह का, लेकिन मज़ा आ गया यार, है ना। चलो अभी कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, एंड गुजरात में सच में बहुत मज़ा आया, ये 3-4 दिन ना पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, लेकिन चलो फिर मिलते हैं जल्दी।